Some parts of this video might be muted due to copyright claim. Hi guys, my name is Al Faru. And my name is Sabi Sohail. So guys, आज मेरा गला थोड़ा सा खराब है. I'm extremely sorry for this. लेकिन आज एक special member हैं. हम पहली दफा देखेंगे BTS की. इनका नाम है Jin Kim Seok Jin. Jin इनका जो है वो BTS का जो stage name है वो है. और जिनका real name है वो है Kim Seok Jin. और ये हमने लिए हैं जिन माय लाइफ के चैनल से. तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट और हमें भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. आप लोगों ने हमारे बर्थडे वाली वीडियो को बहुत अप्रिशिएट किया. वी लव यू रिएक्शंस हियर. आपकी फीडबैक बहुत पॉजिटिव था. तो हम अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो नहीं देखी वो तो हम बेल आइकन इधर आई बटन दे देंगे. आपने ज़रूर जाकर वीडियो देखनी है. इसमें हमने जिमिन की बर्थडे सेलिब्रेट किया है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. Beautiful Indian wedding dress type लग रहा था वो. मैंने भाई क्या मैं जिन को देख रहा हूँ. वाह ग्लासेस मैंने पहले लगे इसमें देखा ऐसी ग्लासेस में ब्यूटीज में मतलब बहुत प्यारी लग रही है. मुझे हैरी पॉटर वाली थोड़ी सी फीलिंग आ रही है. Is
हम से नहीं मिलते भाई. थैंक्स फॉर वॉचिंग. वीडियो तो बहुत अच्छी थी, बहुत मजा आया देख के वीडियो. और जिन जो है शाय भी बहुत फील करता है, नॉटी भी बहुत है, लाइक फुल एंटरटेनमेंट वाला बंदा है और मतलब लाइफ एंजॉय करने वाला है. वर्क के साथ कैसे आपको फन को साथ लेके चलना है और ये सब जानता है वो. एंड इट्स गुड फॉर अ पर्सन फॉर अ हैप्पी लाइफ मेरे लिहाज से. हाँ, मुझे जिन की सबसे अच्छी बात खुशी लगी कि जिन एसेसरीज बिल्कुल यूज नहीं करता, उसके कान, उसके बाल नहीं थे एसेसरीज थी, बट लाइट एसेसरीज बहुत कम, मतलब ना होने के बराबर थी, मतलब एज कम्पेयर टू अदर बीटीएस मेंबर्स. इस हम माइट भी यूज करता हो, लेकिन इस कंपाइलेशन में जिन की एसेसरीज ना होने के बराबर थी. और मुझे उसकी वजह से अच्छी लगी कि वो अच्छा था बहुत. मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगी कि वो ना फॉरन रिएक्शन देता है. अगर उसको चीज़ बुरी लगती है तो जहाँ मर्जी बैठा होगा वो उस चीज़ वक्त उसको गुस्सा आ जाएगा, वो रिएक्शन देगा. वो ये नहीं देखेगा कि मैं बाद में जाके बात करूँगा, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेगा. उसको मतलब जहाँ बैठा होता है बस बैठा हुआ ऐसे करके, मतलब वो चीज़ बुरी लगी, मतलब कोई बात हुई है उसका ध्यान हटा, मतलब उसने ऐसे करके देखा है, उसका आई कॉन्टैक्ट पता चला था कि उसको कोई चीज़ बात बुरी लगी है उससे देखा. दूसरी बात ये कि असेसिस बहुत कम देखी मैंने, मतलब वो बहुत सिंपल, इतनी सिंपल है ना, वो सिंपल है. और जैसे वो पहली वीडियो में भागे थे ऐसे जिस तरह वो शाय फील करके, तो मुझे बहुत अच्छे लगे. और सबसे बड़ी की बात ये कि इन मतलब ये अपने आप में रहने वाले ज़्यादा है जहाँ तक मुझे लगा है. इनकी कपड़े भी मजे के हैं, और उसके अलावा मुझे लगता है कि बाद ये कमर्शल्स में बहुत आते हैं और शूट्स में बहुत ज़्यादा आते हैं. BTS के वैसे सारे मेंबर्स शूट्स में बहुत आते हैं, हमने जितने भी वीडियोस देखे शूट्स के ज़्यादा आए थे इनके. लेकिन एक बात है, मुझे जिन की जो साइलेंट वीडियोस थी वो बहुत अच्छी लगी. लाइक जिन की एक पर्सनालिटी बदल जाती है जब वो बिल्कुल साइलेंटली मूव कर रहा हो या साइलेंट शूट्स कर रहा हो, उसकी पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट आती है एज़ कम्पेयर जब उसकी नॉर्मल लाइव वीडियोज़ हम जब देखते हैं, जब उसकी डांस वीडियोज़ देखते हैं, जब उसकी हम रील्स देखते हैं, उनसे उसकी पर्सनालिटी बहुत डिफरेंशिएट कर जाती है. एंड लाइक इट्स गुड थिंग जिस तरह स्टेज पे वो बहुत ज़्यादा मतलब फनी बिहेव करते हैं, बहुत एनर्जेटिक बिहेव करते हैं, लड़कियाँ उनकी फ़ैन हैं. और जिस तरह उनको आम देखें, वो उनके उनके फेस एक्सप्रेशन इतने ऐसे मेच्योरिटी की तरफ आते हैं. बाय द वे जब वो ऐसे हंसते हैं तो मुझे लगता है कि उनसे ज़्यादा क्यूट कोई नहीं है, लेकिन जब वो मतलब अपनी प्रॉपर उनके जो एक वो होते हैं वैसे करके फेस ऐसे करके देखते हैं, ऐसे करके किसी को देखते हैं, तो मतलब बिल्कुल ऐसे लगते हैं staring, gazing जो पार्ट होता है बहुत जबरदस्त है. लाइक घूर रहा होता है जब बंदा किसी चीज को किसी चीज पे स्टेयर कर रहा होता है, वो जो उनकी एक लुक आती है ना उस वक्त, दैट्स किलिंग. वो लुक जो है ना, लाइक मेरे लिहाज से जिन की उसी लुक पे हजारों लाखों नहीं करोड़ों लड़कियां मिलती हैं. हाँ, उसमें इतनी एक ना वो सेक्सीपन आता है, उसमें इतनी एक ऐसी मतलब वाइब आ रही होती है उस लुक के अंदर कि अगले बंदे को कहते हैं डर भी लग रहा होता है, अगले बंदे कहते हैं बस देखता भी रहा. सो जिन मेरे ख्याल से बहुत डिफरेंट पर्सनैलिटी के वाले हैं, वो स्टेज पे टोटली डिफरेंट हैं, वैसे बहुत डिफरेंट है, एसेसरीज बहुत कम यूज़ करते हैं, साइलेंट रहना पसंद करते हैं, और मतलब बहुत अच्छे हैं. अभी हम इनके बारे में इतना नहीं जानते, आज हमने बस छोटी सी वीडियो देखी है, अभी होप कि इनको हम और जानेंगे. और हमें आपसे शिकायत ये है कि आप लोग सिर्फ बताते हैं कि इस पर रिएक्ट करें, अब हमें ये बताया करें कि इनकी इनकी खासियत क्या है, ये किस चीज़ से फेमस है बैंड में, मतलब आठ सातों लोग में किसकी क्या मतलब खासियत है, अब आप वो भी बताएं. कोई अच्छा वोकलिस्ट है, कोई अच्छा मैं क्या नाम है, कोई अच्छा डांसर है, कोई अच्छा कोई गिटार प्लेयर है, कोई क्या है, कोई क्या. ये स्पेशलिटीज होती है ना बैंड की, एक कि हर बैंड में जो मेम्बर है वो क्या क्या स्पेशलिटी रखता है, तो क्या जिन की ऐसी क्या स्पेशलिटी है उस बैंड के अंदर, ये बात हमें गूगल से भी पता चल सकती है, लेकिन कमेंट सेक्शन में अगर आप लोग बताएंगे तो वो उस तरह जान के ज़्यादा खुशी होती है. सो वी होप कि आप हमें कमेंट सेक्शन में इनके बारे में ज़रूर बताएंगे, इनकी पर्सनालिटी के से हमें और इन्फ्लुएंस करने में क्या कहते हैं एक्सपोज होने में हमारी हेल्प करेंगे. सो आई थिंक के इस पर हमें मैक्सिमम कमेंट्स जिन के बारे में आने वाले हैं. सो गाइज, आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन प्लीज बिफोर लिविंग द चैनल सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज वी नीड योर हेल्प एंड यू नो दैट वी हैव टू कंप्लीट अवर 1000 एज अर्ली एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय, अल्लाह हाफिज़.